अवैध रूप से चल रहा है नारायण खास में स्थित ईट भट्टा आकर्ष ईट उद्योग पर स्थानीय नागरिक ने लगाया आरोप। अवैध रूप से चल रहा है ईट भट्टा, नहीं हो रही है कोई कार्रवाई। आजमगढ़ जिले के जैनपुर थाना क्षेत्र के ब्लॉक आजमतगढ़ के नारायण खास गांव में आकर्ष ईट उद्योग के नाम से चल रहे ईट भट्टे के ऊपर नारायण खास गांव के स्थानीय नागरिक ने चल रहे ईट भट्टे से क्षेत्र के अंदर हो रहे अनगिनत परेशानियां बताई और कहा कि बिना किसी मानक और फर्जी कागजात के जरिए चलाया जा रहा है यह ईट भट्टा। अच्छा, ईट भट्टे को लेकर आप क्या कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, देख लीजिए मौके पे ईट भट्टे के समीप बगीचा है आम का, यहाँ मंदिर है और अपने पीछे देखिए पूर्व माध्यमिक विद्यालय है, सरकारी स्कूल, वो ईट भट्टा है पास में आपके, और बगीचे में आम के फल नहीं आ रहे हैं ईट भट्टे की वजह से, और स्कूल के बच्चों को पढ़ने में दिक्कत हो रही है और स्वास्थ्य में हर जगह से स्कूल के बच्चों को आए दिन बीमारी होती रहती है, और यहाँ पे बगीचा भी सब खत्म हो गया। ये स्कूल है पूर्व माध्यमिक विद्यालय, यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं और आए दिन इन बच्चों की तबीयत खराब होती है पर्यावरण दूषित होने की वजह से, ईट भट्टे की वजह से, और आए दिन इनकी तबीयत खराब होती है, और स्कूल भी चल रहा है प्रेजेंट में, बच्चे भी हैं प्रेजेंट में, और ईट भट्टा देख लीजिए प्रेजेंट में, और इस ईट भट्टे की और स्कूल की दूरी 200 मीटर से कम है, डिस्टेंस 200 मीटर से कम है ईट भट्टे की दूरी। इस आकर्ष ईट उद्योग के ईट भट्टे का सभी लाइसेंस निरस्त करने का आदेश दिया गया है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ द्वारा आकर्ष ईट उद्योग के जरिए चल रहे ईट भट्टे को तत्काल बंद करने का आदेश दिया गया है। नारायण खास गांव के स्थानीय अतुल सिंह ने ईट भट्टे को लेकर कहा कि मैंने प्रधानमंत्री के पोर्टल से लेकर मुख्यमंत्री डीएम एसपी एसडीएम सभी जगहों पर ईट भट्टे से हो रहे क्षेत्र के लोगों के नुकसान के बारे में शासन प्रशासन को अवगत कराया गया, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ईट भट्टे से सटे 200 मीटर के अंदर ही दो सरकारी स्कूल है, एक प्राइमरी और एक जूनियर स्कूल, और ईट भट्टे के सटे ही नजदीकी मौर्या समाज के लोग बड़े पैमाने में सब्जी की खेती करते हैं और इसी ईट भट्टे के वायु प्रदूषण की वजह से सब्जी की खेती का भी नुकसान होता है और स्कूल के बच्चे तथा स्थानीय निवासियों पर इसका बुरी तरह से असर पड़ रहा है। सर मेरे पीछे देख लीजिए गोभी के पौधे लगे हुए हैं, उसके पीछे ईट भट्टा है और उसकी वजह से इस सब्जी की खेती लाखों की बेकार हो जाती है आए दिन, और ईट भट्टे की वजह से हमारे मौर्या समाज के जितने भी भाई हैं उनको भी प्रॉब्लम है, खेती सही ढंग से हो नहीं पा रही है। इसकी शिकायत कभी किसी ने की कहीं पर? सर मैंने माननीय एसडीएम साहब और प्रदूषण विभाग की मेरे पास आख्या है, रिपोर्ट है, जो ईट भट्टे को तत्काल रूप से बंद करने के संदर्भ में, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब मेरे पास ईट भट्टा के खिलाफ सारे कागजात मौजूद है, यह ईट भट्टा एसके एंटरप्राइजेस शिव कुमार चौहान जी के नाम से है, संचालन राजा चौहान जी करते हैं, यह अवैध रूप से चलाया जा रहा है लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मेरी जमीन भी ईट भट्टे के मालिक राजा चौहान ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है और बार बार मुझे डराते धमकाते हैं कि मैं पुलिस के जरिए फर्जी मुकदमे में फंसा दूंगा। मैंने एसडीएम साहब को कहा था पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरा शासन प्रशासन और सरकार से अनुरोध है कि इस पर कार्रवाई की जाए, मुझे न्याय चाहिए, मुझे पर्यावरण और बच्चों को बचाना है। पीएम साहब पर्यावरण को लेके बहुत ही संवेदनशील है, मैं मांग करता हूं उत्तर प्रदेश के वन मंत्री दारा चौहान जी से कि पर्यावरण मंत्री तत्काल इस पे उचित कार्रवाई करें। मुझे बहुत परेशान किया जा रहा है, इनके पास सब कागज फर्जी है और मानक भी नहीं है, पर ये सब बाहुबली लोग हैं, उनका ऊपर तक पहुँच है, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। कृपया मीडिया के लोग और शासन प्रशासन के लोग मेरी मदद करें, मुझे न्याय चाहिए। सर मेरा नाम अतुल कुमार सिंह है और मैं नारायण खास का मूल निवासी हूँ और बचपन से ही मैं यहीं पला बढ़ा हूँ और यहीं पर रहता हूँ। और सर 2020 में मैंने एक प्रदूषण विभाग में रिपोर्ट लगाई थी ईट भट्टे के संबंध में, तो उस पर सर 2024-2021 को प्रदूषण विभाग लखनऊ ने अपनी आख्या लगाई है कि तत्काल ईट भट्टे को बंद किया जाए, लेकिन प्रेजेंट में भी ईट भट्टा चल रहा है। और सर जो ईट भट्टा है एसके इंटरप्राइजेज शिव कुमार चौहान इसके ऑनर हैं और माननीय फागु चौहान राज्यपाल जी के सगे भानोई हैं।
और माननीय फागु चौहान राज्यपाल जी के इस संरक्षण में ईट भट्ठे का कार्य चल रहा है जो कि नियम और पर्यावरण के खिलाफ है। और आए दिन यहाँ पे विवाद होता रहता है और ये लोग कहते हैं, ये लोग दबंग हैं, पैसे वाले हैं, ये लोग कहते हैं कि फर्जी मुकदमे में फंसा देंगे, हत्या कर देंगे, मेरे ऊपर कुछ भी हो सकता है और मैं बहुत काफ़ी भयभीत हूँ प्रेजेंट में, और मेरी हत्या भी होगी चाहे कुछ भी होगा तो इसके जिम्मेदार एस के चौहान होंगे और राजा चौहान होंगे और फागु चौहान होंगे। क्लियर कट कहूँगा, मैंने एक बार सगड़ी SDM को मैंने एक प्रार्थना पत्र दिया हुआ है, लेकिन SDM साहब, माननीय SDM साहब अभी तक कुछ कर नहीं पाए, एक्शन कोई भी नहीं ले पाए। बार बार कहते हैं SDM साहब कि बंद हो जाएगा, अभी तक कुछ नहीं किए SDM साहब। मैं तत्काल DM साहब से मांग करता हूँ, मैंने PMO को भी एक चिट्ठी लिखी है, देखिए आप, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी है, और सर मैं यही चाहता हूँ कि तत्काल ईट भट्ठे को बंद किया जाए, क्योंकि प्रदूषण और बच्चों का सवाल है सर, यहाँ पे स्कूल के छोटे छोटे बच्चे हैं और यहाँ पे रेजिडेंशल हाउस है, रेजिडेंशल आवास है, मकान बने हुए हैं, परिवार है, और सब 200 मीटर के अंदर में है। अब ईट भट्ठा जो है मानक के बिल्कुल विपरीत है, फर्जी लाइसेंस है इसका, इसका एक भी लाइसेंस सही नहीं है, ना खनन की इनके पास कोई लाइसेंस सही है, ना ईट भट्ठा संचालन करने का लाइसेंस सही है। और इस पर मैं आदेश लेके ऑलरेडी आ चुका हूँ लखनऊ से प्रोड्यूसर विभाग का, और DM साहब इस पर अभी कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं, जो कि मुख्यमंत्री साहब के नॉलेज में है ये मामला, मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में चल रहा है मामला, लेकिन पैसे के बदौलत माननीय फागु चौहान का इनके ऊपर हाथ है, और फागु चौहान जी माननीय राज्यपाल जी इनके सगे बनोई हैं, SK चौहान जी के, सुकुमार चौहान जी के, और राजा चौहान उनके पुत्र हैं जो ईट भट्ठे का संचालन कर रहे हैं, और बार बार आए दिन हम लोगों की ज़मीन वहाँ पे वो भी कब्जा कर रहे हैं ज़बरदस्ती, और कहते हैं कि मैं फर्जी मुकदमा लगा दूंगा, पैसा भी इनके पास है, कुछ भी कर सकते हैं, हत्या भी करा सकते हैं, इसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। और सर यहाँ पे आस पास में देख लीजिए, आप चारों तरफ देख लीजिए, सब्जी की बड़े पैमाने पे खेती होती है, आज से नहीं कम से कम 25 सालों से सब्जी की खेती होती है, यही इनका मूल व्यवसाय है, हमारे गांव के लोगों का मूल व्यवसाय सब्जी है, इसी से इनके घर की रोजी रोटी चलती है। और सर इस पे भी प्रदूषण की वजह से सब्जी पे भी नुकसान हो रहा है, फल पे नुकसान हो रहा है, बगीचे पे हो रहा है, स्कूल के बच्चों पे हो रहा है, और प्रदूषण विभाग अभी तक सर DM साहब, SDM साहब सभी लोग चुप हैं। और सर यहाँ पे आप देख लीजिए, ईट भट्ठे के दक्षिण तरफ प्राइमरी पाठशाला है और ईट भट्ठे के उत्तर तरफ जूनियर हाई स्कूल है, दो दो सरकारी स्कूल, वो भी 200 मीटर 100 मीटर के अंदर में है, जो कि मानक के बिल्कुल विपरीत है। ईट भट्ठे का जो मानक होता है उसमें सरकारी स्कूल अथवा प्राइवेट स्कूल कुछ भी नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे रेजिडेंशल हाउस भी है और दो दो सरकारी स्कूल है सर, लेकिन ईट भट्ठा अभी तक चल रहा है, इसलिए चल रहा है कि वो फागु चौहान जी के सगे बहनोई हैं, अब फागु चौहान जी इसमें प्रेजेंट में बिहार के महामहिम राज्यपाल हैं और उन्हीं के संरक्षण में सब चल रहा है सर। और ये बताइए कि ये सारे जमीनें अगल बगल की सब जमीनें लैंड जो है सब कब्जा कर रहे हैं ज़बरदस्ती राजा चौहान जी, यहाँ पे जो बैनामे की कुछ ज़मीनें हैं वो भी ये कब्जा कर लिए हैं, हमारे मौर्या लोग कुछ लोग यहाँ पे रजिस्ट्री कराई हुई है, वो भी ज़मीन ऑलरेडी इन्होंने कब्जा कर ली है, ये कोई अभी तक फायदा नहीं हुआ, खाली आश्वासन मिलता है। माननीय SDM साहब, सगरी SDM साहब मुझे बार बार यही कहते हैं कि बंद हो जाएगा, कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई चल रही है, लेकिन अभी तक सर 1 साल हो गए, अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ, ना कार्रवाई हुई।